हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लास। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में। मीन्स बिजनेस है जो भी कोई, उसका जो नेचर है या कह सकते हैं कि जो बिजनेस है वो किस तरीके से ऑथराइज है, किस तरीके से रजिस्टर्ड है, या बिजनेस जो है वो किस टाइप का है। तो इस वाले टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। इसमें बिजनेस के 5 तरीके के फॉर्म गिवन है कि सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसे हम हिंदी में एकल स्वामित्व कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि हिंदू अविभाजित परिवार, किसे कहते हैं, पार्टनरशिप किसे कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी किसे कहते हैं, या जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होते हैं वो किस तरीके का होता है, इनका जो नेचर है बिजनेस का वो किस टाइप में रहता है। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों को कवर करने वाले हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसे क्या कहते हैं, या उससे रिलेटेड जितने भी लाइबिलिटीज़ है, या कह सकते हैं कि उसके अंदर जो भी जो ओनर है उसका क्या लाइबिलिटी है, वो किस तरीके से बिजनेस को कंट्रोल करता है, या बिजनेस को किस तरीके से मैनेज करता है, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम बीकॉम के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको हम कवर करने वाले हैं, साथ ही हम एमकॉम का भी स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप किसे कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का जो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो एकल स्वामित्व है। अब एकल स्वामित्व का मतलब है कि जब किसी बिजनेस को एक अकेला आदमी उसको कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है, या बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रिस्क होते हैं, जितने भी प्रॉफिट होते हैं, या कह लो जितने भी लॉस होते हैं, उन सभी को वो अकेला ही बियर करता है, अकेला ही जोखिम निभाता है, या जितने भी काम करते हैं उन सभी को खुद ही कंट्रोल करता है। तो इस तरीके का जो बिजनेस है वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसे हम एकल स्वामित्व का भी नाम देते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो बिजनेस का काफ़ी पॉपुलर फॉर्म है। कहने का मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा चलन में है, या हम कह सकते हैं कि अपनी डेली लाइफ में आप हम नॉर्मल सभी को देखते हैं, जितने भी हमारे घरों के आसपास में शॉप है, जितने भी दुकान होते, गारमेंट्स होते हैं, मोस्टली अगर वो स्मॉल स्केल लेवल पर हो, या कह सकते हैं जो अगर वो छोटे लेवल पर हैं, तो उनका जो ओनर है वो अकेला आदमी रहता है, जो अपने अंडर जॉब पर तो बहुत सारे पर्सन को रख लेता है, बट जो अकेला वो कंट्रोल करने वाला पर्सन होता है। तो ये जो बिजनेस है काफ़ी पॉपुलर फॉर्म है, साथ ही ये काफ़ी सुटेबल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो बिजनेस है वो थोड़े स्मॉल बिजनेस के लेवल पे चलता है, ज़्यादा बिजनेस लार्ज लेवल पे नहीं रहता, स्मॉल लेवल पे रहता है, जिसको कंट्रोल करना काफ़ी ईजी हो जाता है। साथ में ही जो बिज़नेस है काफ़ी ऐसा नहीं है कि कभी वो ख़त्म होने वाला नहीं है, या हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि जो इसका एक टाइम है वो काफ़ी लंबा होता है, ये एक कम सालों के लिए या कह सकते हैं थोड़े टाइम के लिए इस तरीके का बिज़नेस रहता है। अगर लंबे टाइम का भी बिज़नेस रहता है तो बिज़नेस हो सकता है कि एक पर्सन लंबे टाइम तक उसे संभाल सके, उसके प्रॉफिट ले सके, बट जो फिर भी ये जो टाइम है इसका काफ़ी लिमिट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वर्षों तक ये बिज़नेस चलता रहे, क्योंकि कुछ प्रॉफिट के वजह से, कुछ लाभ के वजह से, या कह सकते हैं किसी लॉस के वजह से, किसी जोखिम के वजह से, या कंपटीशन में बनाए रखने की वजह से ना हो सके, तो बिज़नेस क्या है कि कुछ टाइम बाद बंद हो सकता है। तो ये जो बिज़नेस है वो तो काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए हो जाता है। साथ में इस बिज़नेस का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो बिज़नेस है उसको एक अकेला पर्सन ही ओनरशिप करता है, उसको अकेला ही चलाता है, जितने भी मैनेजिंग काम किए जाते हैं उसको खुद ही मैनेज करता है, साथ में ही जितने भी बिज़नेस है, बिज़नेस में जितने भी काम है उन सभी को अकेला कंट्रोल करता है। और बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी, अगर चाहे वो बिज़नेस में प्रॉफिट हो, चाहे बिज़नेस में लॉस हो, या बिज़नेस में जितने भी तरह के रिस्क है, उन सभी को जो रिसिपिएंट है, या कह सकते हैं जो उसका ट्रेडर है, वो खुद ही उसको बियर करता है, उन सभी रिस्क को झेलता है। तो ये जो सोल ट्रेडर है उसकी कुछ करैक्टर कह सकते हैं कि, या कह सकते हैं कि किस तरीके का नेचर रहता है उसका बिज़नेस को लेके। अब जो वर्ड है सोल, ये क्या कहता है? ये कहता है ओनली का मतलब है सिर्फ। प्रोप्राइटर जो है वो रेफ़र करता है ओनर को। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो सोल है वो ओनली से रिलेटेड है, या दोनों का मतलब एक ही है। और जो प्रोप्राइटर है उसको हम ओनर भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है एक अकेला ओनर जो बिज़नेस संभालता है उसको हम कहते हैं एकल स्वामित्व बिजनेस। तो ये तो होगी इसकी जो नॉर्मल लैंग्वेज में कही कि डेफिनेशन है, जिसको अकेला पर्सन ही ओनरशिप करता है, उसको अकेला ही चलाता है, तो उस तरीके का बिजनेस कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसकी देखो कुछ डेफिनेशन है जो कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री या कह सकते हैं राइटर्स ने दिया है,
तो इनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो जेएल हैंसन है वो क्या कहते हैं कि जो सोल ट्रेडर है वो एक बिजनेस का टाइप है, कि वो बिजनेस का एक प्रकार है जिसमें क्या किया जाता है, वेयर अ पर्सन, वहाँ पे एक पर्सन जो है वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है कि जितने भी व्यापार में या बिजनेस में जितने भी पूंजी लगेगी, या कह सकते हैं नॉर्मल लाइफ जितने भी व्यापार में जितने भी तरह के पैसे लगेंगे या जितने भी कैपिटल लगेंगे, उन सभी को खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहता है, खुद ही उन सभी को लगाता है। साथ में वो बियर करेगा, बियर का मतलब है कि जो हम बोलते हैं हिंदी में उसको सहन करता है या उसको लेके चलता है, तो उसको खुद ही बियर करता है जितने भी रिस्क है बिजनेस से रिलेटेड, उन सभी को वो खुद ही अकेला बियर करेगा। साथ में ही बिजनेस के अंदर जितने भी मैनेजमेंट का काम है, या हम कह सकते हैं कि बिजनेस की जो भी कार्य प्रणाली है या जिस तरीके का काम किया जाता है, उन सभी को जो बिजनेस का ओनर है उन सभी को अकेला मैनेज करता है। तो इसका एक सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन था। साथ में इसका जो दूसरा डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि एक इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप होता है जो कि एक बिजनेस का फॉर्म है, कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि उस बिजनेस के साथ कई सारे पार्टनर जुड़े हुए, वो एक इंडिविजुअल फॉर्म में रहता है, एक अकेले के रूप में रहता है, जो कि क्या करता है बिजनेस को स्टैंड करता है इसको इंडिविजुअली रूप से। साथ में ही एक अकेला पर्सन ही सब तरह के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, जो कि जितने भी बिजनेस में ऑपरेशन किए जाते हैं, जितने भी काम किए जाते हैं, फंक्शन कह लो चाहे मैनेजमेंट कह लो, उन सभी को खुद ही डायरेक्ट करता है, और बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रिस्क है उन सभी को अलोन रन करता है, मतलब कि अकेला लेके चलता है, उनको बियर करता है। तो ये इसकी दो डेफिनेशन थी जो कि काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में था। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया हो कि जो सोल ट्रेडर है वो क्या होता है, कौन होता है, साथ में ही उसका कितना लाइबिलिटी रहता है, कितना वो किस तरीके से बिजनेस को चलाता है। तो इसका सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन था। तो इसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट है वो कहता है फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है या कह सकते हैं कि जो सोल ट्रेडर है वो वाला जो बिजनेस है उसके क्या क्या फीचर्स है। अब फीचर्स में उसकी अच्छी और बुरी बातें दोनों आता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये लाइन जो है, ये कह लो कि ये जो पॉइंट है ये क्या डिफाइन करता है कि ये जो बिजनेस है इसमें कोई भी नो सेपरेट लॉज, दैट जो बिजनेस है उसमें किसी भी तरीके से एक सेपरेट लॉज नहीं बना हुआ है, कह सकते हैं कि कोई भी एक अलग से कानून नहीं बना हुआ है कि जो बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप का उसके लिए ऐसा कोई सेपरेट या अलग से कोई कानून नहीं बना हुआ है कि इस तरीके से बिजनेस चलेगा। इसके लिए जो भी पर्सन है या कह लो जो भी एक बिजनेस मैन है जो कि उस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो क्या करेगा, एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ करेगा, एक छोटा सा कानूनी कार्यवाही होगा जिसके दौरान वो क्या करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप का एक मेंबर कह लो या कह सकते हैं कि उसका एक बिजनेस का रजिस्टर्ड होगा उसके फॉर्म के रूप में, जिसमें कुछ काम किए जाते हैं या कह लो उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स लिए जाते हैं कि जो बिजनेस है वो किसके नाम पर है, कितनी कैपिटल है, इससे संबंधित बिजनेस रिलेटेड कुछ नॉर्मल वे में या कह सकते हैं कुछ सिंपल वर्ड्स में एक इंफॉर्मेशन लिया जाता है, उसको बिजनेस को कलेक्ट करके, उसके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके साथ में एक सिंपल लॉज के अंडर उस बिजनेस को रजिस्टर करवा लिया जाता है। तो इसका था फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है। साथ में कहता है कि जो उसका क्लोजर है बिजनेस का वो मतलब काफ़ी ईजिली डन किया जाता है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कानूनी कार्यवाही है या ऐसा कह लो कि बहुत ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं, काफ़ी सिंपल वे में काम को किया जा सकता है। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है लाइबिलिटीज़ क्या है, कि लाइबिलिटी क्या है, दायित्व क्या है। अब दायित्व या लाइबिलिटी को सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं कि जो एक पर्सन है उसका किस तरीके का जो बिजनेस में किस तरीके का काम करेगा या जो भी वो चीज़ को झेलेगा, लाइबिलिटीज़ मेनली पेमेंट से या कैपिटल से रिलेटेड होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि किसी भी एक पर्सन का जो पूंजी को लेकर क्या उसका रोल है, या हम कह सकते हैं कि वो पूंजी कितना लगाएगा, कितना रिस्क लेगा, कितना प्रॉफिट लेगा, कितना लॉस लेगा। जब पैसे की बात आ जाती है कि कितना उसका लिमिटेड है उस चीज़ में या अनलिमिटेड है, तो उस तरीके का जो बात है या फॉर्म है वो कहलाता है उसकी लाइबिलिटीज़। तो अब देख लेते हैं लाइबिलिटी क्या कहता है एक सोल ट्रेडर के बारे में। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है जिसको हम एकल स्वामित्व कहते हैं, उसमें जो पर्सन होता है या कह सकते हैं जो ओनर है, जो मालिक है, उसका जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड कहने का मतलब क्या है, इनको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करती हूँ। जैसे मान लो कोई बिजनेस को चला रहा है पर्सन, ठीक है, अब बिजनेस में चाहे उसको प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, सिंपल वे में दो ही चीज़ होगा, या तो उसको लाभ होगा या तो उसको हानि होगा। तो अनलिमिटेड का मतलब है मान लो बिजनेस में लॉस हो गया बाई चांस, तो लॉस हो गया तो उसको तो क्या, उस लॉस तो उसके लिए हुआ है ना, रिस्पॉन्सिबल तो वो है ना, दूसरे पर्सन तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो बाहरी व्यक्ति है या कह सकते हैं जितने भी बाहर के व्यक्ति जिसको उसको पैसे पेमेंट करनी है,
उन सभी को उसको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरे लोग तो मानेंगे ना भाई लॉस तो तुम्हारा हुआ है ना, तुम झेलो उसको, हम क्यों झेलेंगे। तो कह सकते हैं कि जो फिर उस कंडीशन में क्या करेगा, चाहे वो घर से पैसा लगाए, वो चाहे वो किसी भी तरीके से बिजनेस को बेच के पैसा लगाए, चाहे किसी भी तरीके से पैसा लाए, उसको क्या करने पड़ेगा, जितने भी दूसरे पर्सन हैं उनकी जो भी पेमेंट है उनको देना पड़ेगा। तो पेमेंट जब वो अपने घर से लगाएगा, चाहे मान लो वो अपने जो पैसा बिजनेस से नहीं कमाया वो पैसा भी अगर उसे लगा के पेमेंट करना पड़ता है, तो वो कहलाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। मतलब उसको कहीं से भी पैसा ला के पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिजनेस लॉस में चला गया तो उसको पेमेंट नहीं करना, पेमेंट उसको करना ही पड़ेगा चाहे वो कैसे भी करे। तो वो जो कंडीशन आ जाता है वो कहलाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। तो ये एक बिज़नेस में इम्प्लाई होता है, या कह सकते हैं इस बिज़नेस में रूल जो है वो अप्लाई होता है, जिसमें हर तरीके के जो पेमेंट है उसके लिए जो ऑनर है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसके साथ में कह रहा है जो उसकी एसेट्स है बिज़नेस का, वो जितने भी है वो है तो उसी का, बट बाय चांस अगर बिज़नेस में लॉस हो जाता है तो उसे अपना बिज़नेस पूरा बेच के सभी तरीके के जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको कि मान लो एक एक्स वाई जेड कंपनी है, या एक्स वाई जेड एक बिजनेस है जिसमें क्या है कि उसका एक फर्म जो है वो डिसोल्यूशन हो गया, मतलब वो बंद हो गया, और बंद होने के टाइम पे उसको 80,000 की पेमेंट करनी है। अब उसके पास जो बिजनेस है उसकी जो एसेट्स है, या कह लो जो उसकी संपत्ति है, वो उसकी 60,000 की है। तो क्या करेगा, 60,000 बिजनेस को बेच के अपने तरफ से रख लेगा, लेकिन उसको पेमेंट कितनी करनी है, 80,000 करनी है। अब 80,000 तो रुपये है नहीं उसके पास, तो क्या करेगा, जो 20,000 की जो कमी है उसको अपने पर्सनली तरफ से, या कह लो उसको अपने घर से लगाना पड़ेगा। तो उस तरीके का जो 20,000 जो उसे अपने घर से लगाना पड़ गया, या कह सकते हैं जो रुपये उसने बिजनेस से ना कमाए वो भी अगर उसे लगाना पड़ गया, तो वो कहलाता है उसके अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ हो गया। मतलब उसको कहीं से भी पैसा ला के 80,000 पेमेंट करना ही करना है, या करेगा ही करेगा। तो इस तरीके की जो कंडीशन आ जाता है वो उसकी लाइबिलिटीज़ को शो करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। कहने का मतलब है जो सोल ट्रेडर है वो हर तरीके के रिस्क है, जितने भी जोखिम है या जितना भी रिस्क है बिजनेस के अंदर, उन सभी को खुद ही बियर करेगा, खुद ही उन सभी को सहन करेगा, खुद ही उन सभी को एक्वायर करेगा। साथ में जितने प्रॉफिट है उनको भी वो खुद ही रखेगा, चाहे बिजनेस में लॉस हो चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो, उन सभी को वो खुद ही बियर करेगा। तो ये एक बिज़नेस का एक फॉर्म है, या कह लो बिज़नेस का एक रूल है, जो कि एक सोल ट्रेडर से रिलेटेड है, जिसमें जो बिज़नेस अगर फेल हो जाता है तो लॉस भी वो खुद ही झेलेगा, साथ में अगर बिज़नेस अच्छा चल रहा है सक्सेसफुल हो रहा है तो वो जितने भी प्रॉफिट है उनको भी खुद ही लेगा वो। तो ये एक जो सोल ट्रेडर है उसके बारे में ये डेफिनेशन था कि वो किस तरीके से जो रिस्क है या जो भी प्रॉफिट है उनको किस तरीके से बंटवारा करेगा या किस तरीके से रखेगा। साथ में अब नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल के बारे में। जो बिज़नेस है, जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जो सोल ट्रेडर है वो अकेला व्यक्ति ही है जो बिज़नेस को संभालता है, तो सिंपल सी बात है जब बिज़नेस अकेला संभालेगा तो बिज़नेस को खुद ही रन करेगा, खुद ही कंट्रोल करेगा, जितने भी डिसीज़न है उनको वो खुद ही लेगा। ऐसा नहीं है कि वो डिसीज़न कोई और ले रहा है बिज़नेस के बारे में, नहीं, क्योंकि वो अकेला ही पर्सन हर तरह का काम कर रहा है, तो सिंपल सी बात है वो जितने भी डिसीज़न है बिज़नेस रिलेटेड वो उन सभी को खुद ही वो लेगा बिज़नेस रिलेटेड। साथ में वो उसकी जो प्लानिंग है या बिज़नेस रिलेटेड जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, जितने भी रिस्क आएगा, उन सभी को वो खुद ही कंट्रोल करेगा, खुद ही हैंडल करेगा, देखेगा कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उन सभी को देखते हुए, मार्केट को एनालाइज़ करते हुए, या कह सकते हैं कि कंपटीशन को देखते हुए, जितने भी जो राइट्स है या जितने भी प्लान हैं, जितने भी डिसीज़न हैं, उन सभी को वो खुद ही लेगा। तो ये सोल ट्रेडर के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि इसके लिए कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं है। अब सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है कि जैसे कि एक फैमिली में हर एक पर्सन है, लेकिन जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो हम ये नहीं कहते कि ये वहाँ से है या वहाँ से है, हम क्या कहते हैं, ये सारा जो है ये दीज आर फैमिली, कि ये एक फैमिली है। हम उन सभी पर्सन को अलग अलग रूप में नहीं देखते, हम देखते हैं कि ये एक फैमिली है, इसमें ये इनका ये है, ये इनका ये है, रिलेटिव है। तो इस तरीके से जिस तरह से हम अपने आसपास में देखते हैं, सेम ऐसे ही बिजनेस में जो बिजनेस है और जो सोल ट्रेडर है उनको अलग अलग नहीं देखा जाता, उनको एक ही व्यक्ति माना जाता है, उनको एक अलग अलग व्यक्ति है, उनके लिए कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं है। हम ऐसा नहीं मानेंगे कि बिजनेस किसी और का है, ये जो सोल ट्रेडर है वो अलग पर्सन है, उसके बिजनेस को और उसको एक ही आदमी मानेंगे हम। तो ये इसके बारे में कहते हैं कि कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं है, क्योंकि वो जितने भी काम कर रहे हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ है हो रहा है, उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए बिज़नेस जो है उसी का है, वही उसका मालिक है। तो सोल ट्रेडर और जो बिज़नेस है उनको एक अलग से आइडेंटिटी नहीं दिया जाएगा, उनको एक ही माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी का मतलब है, लैक का मतलब है कमी,
और क्वांटिटी का मतलब है कि लगातार, कि जो बिजनेस है ज़रूरी नहीं है कि वो लगातार चलेगा, उसमें इस चीज़ की कमी पाई जाती है, या हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस है उसका ज़रूरी नहीं है कि जो बिजनेस है वो सालों साल चलता रहेगा। अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाता है या अनवांटेड थिंग्स हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, बिजनेस बंद हो सकता है। तो ये कह रहा है कि जो लैक ऑफ बिजनेस क्वांटिटी है, बिजनेस लगातार चलेगा ये ज़रूरी नहीं है। तो इसको देख लेते हैं, इसमें कह रहा है कि जो सोल ट्रेडर है, जो बिजनेस है उसको खुद ही ओन करेगा, खुद ही उसको चलाएगा, कंट्रोल भी करेगा एक ही पर्सन। तो बाय चांस अगर मान लो मिस हैपनिंग हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, या किसी भी तरीके से फिजिकल रूप से वो किसी भी तरीके से कमज़ोर हो जाता है, या कह सकते हैं किसी भी मेंटली प्रेशर से, या मान लो उसकी डेथ ही हो जाता है, किसी भी तरीके का अगर मिस हैपनिंग हो जाता है जिसके बाद बिजनेस को नहीं चलाया जा सकता, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो बिजनेस है उसको बंद कर दिया जाता है। या फिर अगर बिजनेस को कोई और व्यक्ति अगर संभालना चाहेगा तो उसके लिए एक अलग लॉज आता है, एक अलग कानून बन जाता है, वो इस अंडर में नहीं आता, वो सोल ट्रेडर के अंडर में नहीं आता, उसके लिए एक अलग कानून बनाया जाएगा, या देखा जाएगा वो किस तरीके का बिजनेस को फिर संभालेगा, वो एक अलग बात है। हम बात करें सोल ट्रेडर की, तो कहने का मतलब है कि जो बिजनेस है ज़रूरी नहीं है कि वो लगातार चलेगा, वो एक टाइम के बाद वो बंद हो सकता है, उसमें ये क्वांटिटी की कमी रहती है। तो ये इसके बारे में पॉइंट्स थे जो कि उसके फीचर्स को बताते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो सोल ट्रेडर है या सोल जो बिजनेस है एकल स्वामित्व वाला, उसकी जो मेरिट्स क्या है। मेरिट्स का मतलब है कि उसके गुण क्या है, उस बिजनेस में के अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, या कह सकते हैं उसके फीचर्स क्या है, उसकी अच्छी बातें क्या हैं, तो इनको हम क्लियर करने वाले हैं। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि जो क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, कहने का मतलब है कि जो बिजनेस के अंदर जो भी डिसीज़न लिया जाएगा वो बिल्कुल क्विक लिया जाएगा, जल्दी से लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बात है जिसके बारे में कोई डिसीज़न लेना है और वो जो डिसीज़न है वो महीनों बाद होगा या वर्षों बाद होगा या किसी के ऊपर डिपेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बिजनेस है उसमें बिल्कुल क्विक डिसीज़न लिया जा सकता है, क्योंकि अगर मान लो कोई भी बात अगर हमसे रिलेटेड है तो हम क्या करते हैं, मिनटों में उसके बारे में डिसीज़न ले लेते हैं। सेम ऐसे ही जब बिजनेस को एक अकेला व्यक्ति संभालता है, या कह सकते हैं कि अकेला व्यक्ति जब उसको चलाता है, तो उसके पास ये राइट्स है, या कह लो उसका ये अधिकार है कि वो बिजनेस के बारे में तुरंत ही डिसीज़न ले सकता है कि उसको बिजनेस में क्या करना है क्या नहीं। तो इस तरीके का उसको फ्रीडम रहता है बिजनेस के अंदर में। तो इस लाइन में भी यही कह रहा है कि जो सोल प्रोप्राइटर है वो क्या करता है, जितने भी उसको इस तरीके की फ्रीडम रहता है, उसको ये आज़ादी रहता है कि बिजनेस रिलेटेड सारे डिसीज़न लेगा। साथ ही जो बिजनेस है में जो भी डिसीज़न है, चाहे वो उसके लिए अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन जो उस टाइम पे लेना है वो खुद ही लेगा। उसके अंदर उसको ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और से कंसल्ट करेगा, या जो भी वो डिसीज़न लेना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि उसे किसी और से राय लेना या विचार लेना या कंसल्ट करना ज़रूरी है, वो रिक्वायर नहीं है। जैसे एक कंपनी है, ये एक पार्टनरशिप है, उसमें वो दूसरों पे डिपेंड रहता है, जब तक सभी मेंबर या सभी पार्टनर हाँ नहीं कहते, जब तक कोई भी डिसीज़न नहीं लिया जा सकता। लेकिन जो एक सोल ट्रेडरशिप है या सोल प्रोप्राइटरशिप है, जिसमें इस तरीके का कोई भी बैरियर नहीं है, किसी भी तरीके का बाधा नहीं है कि जो बिजनेस में जो भी रूल्स जो भी डिसीज़न लिया जाए तो उसके लिए किसी और से बातचीत करे, ऐसा जरूरी नहीं है। वो अकेला पर्सन ही जब चाहे जो चाहे कर सकता है बिजनेस के अंदर में। साथ ही वो मार्केट में एनालाइज करेगा जो भी उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, या देख सकते हैं उसके लिए क्या क्या एक लाभ है, या क्या क्या उसको सामने प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, या उसके लिए क्या अच्छा है, वो इस तरीके का जो भी काम करना चाहता है उनको वो ईजिली डिसीजन के थ्रू कर सकता है। नेक्स्ट है, जैसे कि उनको जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको तुरंत मिल जाता है। जो सोल डिसीजन है मेकिंग अथॉरिटी इनेबल्स द प्रोप्राइटर टू कीप ऑल दैट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस। कहने का मतलब है कि जो सोल प्रोप्राइटर है या सोल जो ट्रेडर है, उसको इस तरीके की आज़ादी है कि जो बिजनेस रिलेटेड जितने भी चाहे वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है, क्योंकि वो चीज़ हमारी है, वो बिजनेस हमारा है, हम जो चाहे कर सकते हैं। तो वो बिजनेस के अंदर जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो उसको कलेक्ट कर सकता है कॉन्फिडेंटली, कि उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको किसी और के बारे में उससे कह सकते हैं कि उसको ज़रूरी नहीं कि किसी और से वो परमिशन ले, या जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा वो लीगल हो जाएगा। इस तरह का कोई भी बैरियर नहीं रहता है, वो इन्फॉर्मेशन को ईजिली कॉन्फिडेंटली कलेक्ट कर सकता है, इसमें किसी भी तरीके का बैरियर नहीं है। तो ए सोल ट्रेडर इज़ ऑल्सो नॉट बाउंड बाई लॉज टू पब्लिश फर्म अकाउंट, और ऐसा उसको उसके अंदर बाउंड भी नहीं है। जैसे कि एक कंपनी है, उसको क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम अपने जो बैलेंस शीट है या कह सकते हैं जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन, उसको पब्लिश करना होता है टाइम टू टाइम, ताकि जो कस्टमर है या जो एक आम जनता है उसको जान सके। लेकिन जो एक सोल ट्रेडरशिप है उसमें क्या है, जो व्यक्ति है जो ओनर है
उसको इस तरह का बाउंड नहीं है कि जो अपना अकाउंट्स है या जो भी उसका बैलेंस शीट है, जो भी उसके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, उस तरह का बाउंड नहीं है कि वो उसको पब्लिश करे। वो अपनी बातों को अपने सीमित रख सकता है, अपने तक ही रख सकता है, उसको शेयर नहीं करेगा। जो उसके लिए अच्छा है वो या बुरा है वो खुद ही देखेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने बिजनेस के बारे में सबको बताता फिरेगा। तो ये इसके बारे में था। इसका नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब है जिस बिज़नेस में जितने भी प्रॉफिट हो गए वो उसको सीधा मिल जाएगा, क्योंकि जब बिज़नेस को वही रन कर रहा, वही चला रहा, वही मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग का काम सब कुछ कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो जो प्रॉफिट हो रहा है वो खुद ही तो लेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो काम सारा खुद करेगा और प्रॉफिट जाके किसी और को देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बिज़नेस में जब वो बिज़नेस को चला रहा है, मैनेज कर रहा, कंट्रोल कर रहा है, तो सिंपल सी बात है बिज़नेस के सारे प्रॉफिट भी खुद ही लेगा। बिज़नेस के साथ जितने भी अगर कोई जॉब पे रखा है तो वो अलग बात है, उसकी सैलरी पे करेगा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो बिज़नेस के अंदर जो भी प्रॉफिट है उसको वो खुद ही लेगा। तो इसके बारे में था कि वो डायरेक्ट इंसेंटिव करेगा, जितने भी प्रॉफिट है उन सभी को खुद ही लेगा। साथ में नेक्स्ट उसका जो बिज़नेस है वो उसका पर्सनल सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड होगा। जैसे कि देर इज़ अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ, कि उसके अंदर एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन है जी काम को लेके। ऐसा नहीं है कि वो अपने बिजनेस से सेटिस्फाई है या नहीं सेटिस्फाई है, क्योंकि वो जब वो दूसरों पे डिपेंड ही नहीं है तो हर तरह का काम तो खुद ही कर रहा है। तो बिजनेस से उसका जो भी सेटिस्फैक्शन है या जिस तरीके से वो उससे जिस तरीके की भावना रखता है कि उन सभी को पूरा करने वाला वो खुद ही रहता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल रहता है अपने ही सक्सेस को लेके, चाहे बिजनेस को लेके वो सक्सेसफुल रहे, चाहे वो बिजनेस को लेके लॉस में क्यों ना चला जाए, हर तरीके के रिस्पॉन्सिबल रहेगा। साथ में ही वो क्या करेगा, जो भी उसकी सेटिस्फेक्शन है उनको बिजनेस, तो बिजनेस के अंदर जितने भी सेटिस्फेक्शन है वो उसके खुद से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जितने भी फॉर्मेशन है बिजनेस का या क्लोजर है उसको एक जितना भी, जैसे बिजनेस कोई है वो रजिस्टर्ड रहता है तो किसी ना किसी लॉज के अंदर आता है कि बिजनेस जो है लीगल है या इलीगल है। तो बिजनेस का जो फॉर्म है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एक ट्रेडर के लिए, कि वो जो बिजनेस है वो काफ़ी, मतलब जोर की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो काफ़ी कम किया जाता है उसमें। जो इस तरह का जो बिजनेस है उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस नहीं रहता है बिजनेस को लेकर, या कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन को लेकर या लॉज के लेकर ज़्यादा लंबा चौड़ा कानून नहीं रहता। इसके लिए एक सिंपल सा वे रहता है जिसमें जो एक सोल ट्रेडर है वो अपने बिजनेस को सेपरेट करेगा, उसको खुद ही रन करेगा, उसके अलग से कोई भी कानून नहीं रहेगा जो उसको अज्यूम करेगा या जो उसको बार बार कंट्रोल करेगा। क्योंकि ऐसा, क्योंकि कंपनीज है जो या पार्टनरशिप है इस तरह, इसको हम आगे डिफाइन करने वाले हैं, बट अगर अभी देखा जाए तो इस वाले उन बिजनेस में क्या रहता है कि कंट्रोल करने वाला या उनका जो मैनेजमेंट का काम है वो दूसरों पर भी डिपेंड रहता है, बट जो सोल ट्रेडर है उसमें इस तरह की कोई भी बैरियर नहीं रहता। वो इजी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, रन कर सकता है, प्रॉफिट को देखेगा, लॉस को देखेगा, जितने भी अपॉर्चुनिटी है उन सभी को खुद ही झेलेगा वो। तो ये थे इसकी मेरिट्स जो कि एक सोल ट्रेडर के होते हैं। अब उसकी कुछ लिमिटेशन, अब ऑब्वियसली सी अगर प्रॉफिट है लॉस है तो सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस में कुछ मेरिट्स है तो उसकी कुछ लिमिटेड भी होगी, कुछ डीमेरिट भी होंगे, कुछ गलत चीज़ें भी होंगे। गलत चीज़ों का मतलब ये नहीं कि उसके लिए कुछ गलत है, गलत चीज़ों का मतलब है कि जो उसके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है या कह सकते हैं जो उसकी कमी है बिजनेस के अंदर, तो उसको कहेंगे हम लिमिटेड या कह सकते हैं कि हम डीमेरिट्स। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब बिजनेस के अंदर अगर मान लो वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी उसको कच्चे पदार्थ की या कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगा। सेम ऐसे अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसको सर्विसेज भी प्रोवाइड करने से पहले कुछ ज़रूरतें हैं रिसोर्सेज की, चाहे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे या किसी भी तरीके का डाटा कलेक्ट करे। लेकिन जो सोल ट्रेडर है उसके पास में लिमिटेड हो जाता है इन चीज़ों का। ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई ग्रुप है या कोई एक बड़ा सा उसके पास कोई हेल्प करने वाला है, ऐसा नहीं रहता है। ये इसके एक बैरियर कह लो चाहे इसकी कमी कह लो, कि उसके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, उसके पास साधन कम रहता है, उसके पास पैसे कम रहते हैं, पैसे भी उसके पास लिमिटेड रहता है। साथ में ही जो भी उसका बिजनेस है उसमें पर्सन जो उसको कंट्रीब्यूट करेंगे वो लिमिटेड रहता है। जैसे कि लाइन के थ्रू देखते हैं, रिसोर्सेज ऑफ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड, जो उसकी पर्सनल सेविंग है या जो भी वो बैंक से लेना चाहता है बस इतने तक ही उसका सीमित रहता है। क्योंकि जब अकेला व्यक्ति बिजनेस को रन कर रहा है तो उसके पास जो भी चीज़ है वो लिमिटेड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो 10% से कलेक्ट कर सकता है। हाँ, अगर वो लोन लेता है वो अलग चीज़ है कि वो लोन लेके बिजनेस में लगा लेता है, बट फिर भी लोन भी तो लिमिटेड है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल वो अनलिमिटेड वे में हो जाए। तो क्या है कि उसके पास में क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज को लेके है कि बिजनेस को रन करने के लिए जितने भी चीज़ों के, जितने भी साधनों की उसको ज़रूरत पड़ेगा वो सभी उसके पास में कम मात्रा में रहता है या लिमिटेड रहता है।
तो इसके बारे में एक लैक था जो कि एक बिजनेस में सोल ट्रेडर्स के पास में इस तरीके का फीचर्स होता है जो कि उसका डीमेरिट्स कहलाता है, जिसमें उसके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, जो बिज़नेस है वो उसका काफ़ी लिमिटेड लाइफ कहलाता है कि मान लो मिस हैपनिंग हो जाता है, बिज़नेस का जो ओनर है उसकी डेथ हो जाती है, वो किसी भी तरीके से उसको फिज़िकल तरीके से किसी भी तरीके से कमी हो जाता है जिसके द्वारा क्या कर सकता है, वो बिज़नेस को आगे नहीं रन कर सकता है, तो उस कंडीशन में क्या उसका बिज़नेस जो है बंद हो जाता है। इस वजह से कह सकते हैं कि जो एक सोल ट्रेडर है उसका जो बिज़नेस है उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी लिमिटेड रहता है। ऐसा नहीं है कि जो बिज़नेस है वो बिना किसी प्रॉब्लम के बिना किसी दिक्कत के वर्षों तक चलता ही रहेगा, वो कभी भी बंद हो सकता है या वो चल भी सकता है। तो ये सोल ट्रेडर की कुछ कमी थी। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ का मतलब है कि अभी हमने पिछले पॉइंट में क्लियर किया था, जैसे जो उसकी लाइबिलिटी है जो कैपिटल से रिलेटेड है, जो पूंजी से रिलेटेड है, वो अनलिमिटेड हो जाता है। इन केस अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो उसको अपने घर से पैसा लगाना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से पैसा लगाए उसको क्या करना पड़ेगा, सभी तरीके का पेमेंट देना पड़ेगा। अब पेमेंट देगा तो ज़रूरी नहीं कि बिज़नेस से प्रॉफिट किया, अगर बिज़नेस बंद हो गया तो ऑब्वियसली वो लॉस ही हुआ है, तभी बंद हुआ है, तो लॉस हो गया तो उसको फिर भी उसको क्या करना पड़ेगा, सभी तरीके के पेमेंट्स करना पड़ेगा, चाहे वो पेमेंट्स किसी भी थ्रू करे, कैसे भी करे, चाहे उसको अपना बिज़नेस के एसेट्स बेचना पड़े, चाहे उसको पर्सनल एसेट्स मान लो उसको घर ज़मीन जायदाद बेचना पड़े, बट उसको किसी भी केस में उसको बिज़नेस का सारा जो पेमेंट है वो करना ही पड़ेगा। उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाता है, असीमित हो जाता है। सेम लाइन में भी यही क्लियर है किया है, आप देखो कि वीडियो में लाइन टू लाइन मैं क्लियर पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा रही कि मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ के बताऊँगी, मैं आपको इन पॉइंट्स को क्लियर कर देती हूँ ताकि पॉइंट्स को पढ़ के आप इन लाइंस को पढ़ के ये क्लियर कर सको कि ये जो लाइन है वो किससे रिलेटेड है, ये जो लाइन है ये क्या कहना चाहता है। और साथ में जो PDF है काफ़ी नॉर्मल वे में काफ़ी सिंपल वे में मैंने प्रोवाइड किया है, सो वीडियो आपके लिए आई होप क्लियर हुआ होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जो कि आपको बिजनेस सॉरी बिजनेस कह रही बार बार बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं बिजनेस निकल गया सॉरी मतलब वीडियो से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। कहने का मतलब है जो उसका बिजनेस है वो जो मैनेज करता है उसके पास में लिमिटेड एबिलिटी हो जाता है। अब जो पर्सन है जो एम्प्लॉय है उसकी एबिलिटी कह लो, उसकी दक्षता कह लो, उसकी स्किल कह लो, वो कितनी है उतना ही उसके बिजनेस के लिए लिमिटेड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 10 आदमी मिलकर 10 आदमी का जो स्किल है वो उसके पास में कलेक्ट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बिजनेस अकेला रन कर रहा है तो उसके पास जो एबिलिटीज़ है चाहे वो उसकी एबिलिटीज़ अच्छे वे में जा रहा चाहे गलत वे में जा रहा वो उसके बिजनेस के लिए लिमिटेड है। द ओनर हैज़ टू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेरियर मैनेजरियल टास्क, कि जो बिजनेस के अंदर जितने भी टास्क है जितने भी काम है उन सभी को वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि इन सभी को कैसे मैनेज करेगा। साथ में जितने परचेजिंग का काम है, जितने सेलिंग का काम है, जितने भी फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, इन सभी को काम को खुद ही ऑन करेगा, खुद ही उन सभी को रन करेगा। साथ में ही क्या कह रहा है कि इट इज़ रेयर टू फाइंड एन इंडिविजुअल हु एक्सेस इन ऑल दिस एरिया, कि जितने भी काम है उन सभी को खुद ही रन करेगा, इंडिविजुअली वो करेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पर्सन मिलकर उसको साथ में कोई भी हेल्प कर रहा है। द डिसीजन मेकर मे नॉट बी बैलेंस इन ऑल द केसेस, और ज़रूरी नहीं कि बिजनेस में जो भी उसने डिसीजन लिया है वो जो बिजनेस को काफ़ी बैलेंस वे में ही लेके जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं। कई बार हो जाता है ना कि हमने जो डिसीजन लिया वो हमारे लिए गलत हो जाता है, तो सेम ऐसा जो बिज़नेस का जो पर्सन है वो अकेला पर्सन है, अगर वो बिज़नेस में जो भी डिसीज़न है अगर वो डिसीज़न गलत ले लेता है तो वो क्या करता है, बिज़नेस में जो भी उसका डिसीज़न है वो उसके बैलेंस ना करके उसको इनबैलेंस कर देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी उसका डिसीज़न ले रहे हैं वो हर केस में उसका बैलेंस ही करेगा। साथ में उसका जो रिसोर्सेज है वो कम हो जाता है, तो जो उसके एम्प्लॉय है, ज़रूरी नहीं है कि जो उसके एम्प्लॉय है वो हमेशा ही एक स्किलफुल पर्सन रहेगा, कई बार उसकी जो एबिलिटीज़ है वो लिमिटेड हो जाता है, जिससे जो सोल ट्रेडर है वो बस सीमित रह जाता है, उसके पास में इतना ज़्यादा स्किल नहीं रहता है कि बिज़नेस को काफ़ी लार्ज एरिया में या काफ़ी मतलब बेनिफिशियल कर सकता है, उसमें इस चीज़ की कमी हो जाता है, उसके पास में जो भी टैलेंट है वो लिमिट हो जाता है, और ज़रूरी नहीं उसके पास सारे एम्बिशियस ही एम्प्लॉयज़ हो, तो इन सभी की इसके अंदर कमी हो जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो से क्लियर हो गया होगा। SOL के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया कि जो सोल प्रोप्राइटर है, सोल ट्रेडर है, वो किससे रिलेटेड है, क्या क्या इसके फीचर्स है, क्या इसके मेरिट्स हैं एंड क्या इसके डिमेरिट्स हैं। सो आई होप आपको इसके बारे में काफ़ी क्लियर हुआ होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और स्टार्ट करते हैं अपना आगे का नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इट मीन्स जो हिंदू अविभाजित परिवार है वो किस तरीके का बिजनेस है, इसका क्या नेचर है, इसका क्या फॉर्म है, इसको हम क्लियर करने वाले हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल वे में बता दूँ कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक बिजनेस का एक टाइप्स है जिसमें एक परिवार के जितने लोग हो, चाहे वो मेंबर 8 हो, 10 हो, चाहे जितने भी पर्सन हो, चाहे वो 50 ही क्यों ना हो, उसमें क्या होता है कि जो एक फैमिली है केवल वही बिजनेस के मेंबर्स रहते हैं, कोई भी बाहर का व्यक्ति आके उस बिजनेस का मेंबर नहीं बनता है। तो इस तरीके का जो भी एक फैमिली जो बिजनेस को रन करती है वो कहलाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। या इस लॉ के अंदर अगर कोई अपने आप को रजिस्टर करता है अपने बिजनेस को, जिसमें एक परिवार मिलके अपने बिजनेस को चलाता है, तो वो कहलाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो अब लाइन में भी यही है कि एक फॉर्म है एक बिज़नेस का, जिसमें क्या है कि ये सिर्फ इंडिया में ही किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस तरीके का जो बिज़नेस है केवल ही इंडिया में ही, दूसरे देशों में इस तरीके का जो बिज़नेस का एक फॉर्म है या नेचर है वो नहीं है, ये सिर्फ इंडिया में ही है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। और ये बिज़नेस का ना काफ़ी पुराना रूप है, ये क्या है कि सालों साल से चलता आ रहा है, अभी तक चल रहा है, लेकिन ये है कहाँ पर, सिर्फ इंडिया में इस तरीके का बिज़नेस फॉर्म है। साथ में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या करता है, बिज़नेस को ओनरशिप करने वाला या जो भी इसके मेंबर होते हैं वही होता है इसका ओनरशिप करने वाला, जो भी इस बिज़नेस का मालिक कहलाएगा वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जितने भी मेंबर है वही कहलाएगा, तो वो कहलाएगा उसका HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और ये जो बिज़नेस है वो हिंदू लॉज के अंदर आ जाता है। इसका जो मेंबर है वो एक अपने क्या है अपने बर्थ से ही, जैसे कि जो जब वो जन्म लेते हैं वो तब से ही बिज़नेस के मेंबर बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बिज़नेस का जो पर्सन है वो बड़ा होने के बाद ही बिज़नेस का मेंबर बनेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो एक पर्सन है वो जैसे ही बर्थ लेता है, जैसे जन्म लेता है, वो उस तरीके के बिज़नेस का पार्टनर हो जाता है, जो कि बिज़नेस क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से रिलेटेड है, जिसमें एक पर्सन बर्थ से ही बिज़नेस का मेंबर बन जाता है। जो बिज़नेस है द बिज़नेस इज कंट्रोल बाय द हेड ऑफ द फैमिली, कहने का मतलब जो बिज़नेस है उसको जो पर्सन है जो फैमिली का जो पर्सन है उसमें जो सबसे हेड होगा, मतलब जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा, जैसे कि जो हमारे फादर हो चाहे हमारे दादा हो, इस टाइप के जो फैमिली के जो बड़े आदमी होंगे, जो सबसे बड़ा पर्सन होगा वो जो हेड कहलाएगा, वो उस बिज़नेस को कंट्रोल करेगा। वो सबसे एल्डेस्ट मैम और जितने भी लोग हैं उनमें सबसे एल्डेस्ट होगा, सबसे वृद्ध व्यक्ति होगा। वृद्ध का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ओल्ड एज, कहने का मतलब जो फैमिली का जो बड़ा आदमी रहेगा वही उस बिज़नेस को कंट्रोल करेगा, और बिज़नेस को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति जो है वो कर्ता कहलाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उसमें कर्ता कौन होता है। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु इज़ कर्ता इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो कर्ता है वो बिज़नेस का हेड होता है, जो कि बिज़नेस को कंट्रोल करता है, बिज़नेस रिलेटेड सारे और जितने भी उसके लाइबिलिटीज़ है या कह लो जितने भी जोखिम है उन सभी को बियर करने वाला व्यक्ति होता है। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी के पास में इक्वल ओनरशिप होता है, बाकी एक कर्ता को छोड़ के बाकी जितने भी मेंबर बचे उन सभी का जो राइट्स है या कह लो जो उनका अधिकार है वो एक जैसा रहता है। तो इसके कुछ फीचर्स थे जिसको हम को पार्टनर्स भी कह सकते हैं या को पार्टनर भी कह सकते हैं, जो कि एक बिजनेस के बाकी पर्सन कहलाते हैं। अब देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कोई एक बच्चा है जो कि जन्म लिया तो वो क्या करेगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर बन जाएगा। वो बिज़नेस को रन तो आफ्टर 18 के बाद ही कर सकता है, 18 साल के बाद ही, लेकिन क्या करेगा वो बिज़नेस का एक मेंबर बन जाएगा। कंट्रोल तो बाकी व्यक्ति करेंगे लेकिन वो एक फैमिली का और जो बिज़नेस है उसका एक मेंबर बन जाएगा। तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के काफ़ी अच्छे और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो इसी के हम आप फीचर्स पढ़ेंगे कि ये जो बिज़नेस है इसमें किस तरीके का फॉर्मेशन है, किस तरीके की लाइबिलिटीज़ है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या हिंदू जॉइंट फैमिली है उसमें ये काफ़ी ज़रूरी है कि उसमें कम से कम दो पर्सन होने चाहिए, कि एक अकेला व्यक्ति अगर रन करेगा बिजनेस को चलाएगा तो हिंदू फैमिली बिजनेस में तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि वो तो सोल ट्रेडर में आ जाएगा अगर वो अकेला ही बिजनेस को रन करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हिंदू फैमिली बिजनेस है उसमें कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए जो कि बिजनेस को चलाएगा। साथ में ही बिजनेस में द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इट इज़ बाय बर्थ, कि जो अगर बच्चा जन्म लेता है तो ऐसा नहीं है कि उसको मेंबर बनने के लिए कोई एग्रीमेंट या किसी लॉज के थ्रू उसको मेंबर बनाया जाएगा, नहीं, वो मतलब नॉर्मल सा ही वो जैसे ही जन्म लेता है वो पर्सन वो बिजनेस का जो है पार्टनर बन जाता है। और जो ये इस तरीके का जो बिजनेस है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर आता है। तो ये इसका फॉर्मेशन था कि जो बिजनेस है उसका नेचर किस तरीके का रहता है। नेक्स्ट उसकी लाइबिलिटी, कि लाइबिलिटी किस तरीके से रहता है बिजनेस का, कि या जो बिजनेस के अंदर जितने भी कैपिटल से जितने भी पूंजी है उससे रिलेटेड क्या रूल रेगुलेशन उस बिजनेस में रहता है। तो सबसे पहले है कि जो बिजनेस में जितने भी मेंबर है
उन सभी का जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहता है एक्सपेक्ट करता कि कर्ता को छोड़ के बाकी जितने भी मेंबर बचे या जितने भी उसमें लोग बचे उन सभी का जो लिमिटेड है वो लायबिलिटी रहता है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि इन केस अगर बिजनेस लॉस में चला जाता है तो बाकी आदमी अपना घर से पैसा नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो अपनी सेविंग को बिजनेस में पेमेंट के लिए यूज़ करेंगे। उस कंडीशन में केवल कर्ता जो है वो अपनी पर्सनल सेविंग को भी यूज़ करके सभी तरीके का पेमेंट करेगा अनलिमिटेड लायबिलिटी की वजह से, लेकिन जो बाकी पर्सन है उन सभी का जो लायबिलिटी है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंट्रोल। कंट्रोल जो है वो बिज़नेस को कौन करेगा कि जितने भी डिसीजन है वो कौन लेगा, तो द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता। जो बिज़नेस का सबसे कर्ता रहेगा या बिजनेस का सबसे बड़ा पर्सन रहेगा जो कि बिज़नेस को सभी तरीके से रन करने का एक दायित्व लेगा, एक लायबिलिटी लेगा, बिजनेस रिलेटेड जितने भी डिसीजन रहेंगे, जितने भी कंट्रोल रहेगा वो एक कर्ता ही करेगा। ही टेक्स ऑल द डिसीजन, वो हर तरह का डिसीजन वो खुद ही लेगा। इज़ अथोराइज टू मैनेज द बिजनेस, और बिजनेस को मैनेज भी वो खुद ही करेगा। जितने भी अधिकार है बिजनेस को मैनेज करने का वो सभी एक कर्ता के पास ही रहता है। साथ में ही हिज डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन द अदर मेंबर्स, कि अगर बाई चांस कर्ता ने कोई डिसीजन लिया है अगर बाकी मेंबर्स उसके अगेन है तो ऐसा नहीं है कि बाकी मेंबर्स को मनाएगा, नहीं, उसने जो डिसीजन लिया वो सभी मेंबर्स को मानना ही मानना पड़ेगा। किसी भी तरीके से बाउंडेशन नहीं है कि कर्ता ने जो डिसीजन लिया उसको बाकी आदमी रोक सके या उसको मना कर सके। अब डिस्कस करना अलग बात है, लेकिन जो बिजनेस का जो कंट्रोल है वो एक कर्ता ही करेगा, सभी तरीके का डिसीजन जो है वो कर्ता ही लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कॉन्टीन्यूटी का मतलब, कि जब बिजनेस कॉन्टिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता, कि अब बाई चांस अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो भी बिजनेस चलेगा, जो कि एक सोल ट्रेडर में ऐसा नहीं होता है। अगर जो मेन पर्सन है अगर उसकी डेथ हो जाती है बाई चांस तो जो बिजनेस है वो बंद भी हो सकता है, लेकिन जो हिंदू फैमिली जॉइंट फैमिली है उसमें क्या होता है, जो बिजनेस है वो कर्ता के डेथ के बाद भी बिजनेस चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि जो कर्ता है अगर उसकी डेथ हो जाए बाई चांस तो जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिस पर्सन जो उसका कर्ता था, जो उसका एल्डेस्ट पर्सन था, उसके डेथ के बाद जो नेक्स्ट लेवल पे या कह सकते जो दूसरे नंबर पे जो एल्डेस्ट मेंबर आएगा वो उसका पोजीशन ले लेता है। कहने का जैसे कंपनीज में प्रमोशन होता है, सेम वैसे अगर कर्ता की डेथ हो जाए तो कर्ता के बाद जो आदमी बचा जो कि बड़ा है फैमिली में वो कर्ता बन जाता है, और वो बिजनेस को कर्ता वाले सारे जितने भी उसके अधिकार होते हैं, जितने भी राइट्स है, लाइबिलिटीज़ है, वो हर तरीके का उसका ले लेता है। नेक्स्ट है मिनोर मेंबर, कि जो इस तरीके का जो फैमिली है उसमें हर एक जो मेंबर है, चाहे वो जो मेंबर है चाहे वो छोटा हो चाहे वो जैसे जन्म ले ले, वो सारा जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक पार्ट बन जाता है, एक मेंबर बन जाता है। हैंस मिनोर कैन ऑल्सो बी मेंबर ऑफ द बिजनेस, कि एक छोटा पर्सन जो एक बच्चा जो है जो अभी अभी जन्म ही लिया है वो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर बन जाता है। तो उसके लिए एक अलग से कोई भी रेगुलेशन या किसी भी तरीके से कानून लॉज नहीं है कि उसके लिए एक अलग से रूल रेगुलेशन किया जाएगा, एक सिंपल वे में वो उस फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसके मेरिट्स। मेरिट्स का मतलब है जो बिजनेस के अंदर जो जो गुण है उन सभी को हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव कंट्रोल। जो ये बिजनेस है इसमें जो करता है वो काफ़ी डिसीजन मेकिंग करेगा। केवल एक व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड डिसीजन लेता है, वो जो डिसीज़न है काफ़ी इफेक्टिव बन जाता है, काफ़ी पावरफुल बन जाता है। तो जो हिंदू जॉइंट फैमिली है उसमें इस तरीके का फीचर होता है या इस तरीके का गुण होता है जिसमें जो करता है वो अकेला डिसीजन लेगा जो कि काफ़ी पावरफुल रहता है। साथ में ही वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, जितने भी मेंबर्स है उन सभी के जो भी राइट्स हैं उनको डिसाइड कर देगा कि किस पर्सन का क्या डिसाइड है या उनका क्या क्या काम है, सभी पर्सन को उनके काम बांट दिए जाएंगे। तो ये एक इसका फीचर्स है, जिससे क्या हो जाता है डिसीजन जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल वे में चला जाता है। काफ़ी उसमें जब भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उससे रिलेटेड क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसमें क्या चेंजेस लाना चाहिए, इस तरीके के जो फीचर है वो हिंदू जॉइंट फैमिली जो बिजनेस है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस बिजनेस एक्सटेंस। साथ में इसका एक गुण है कि अगर बाय चांस कर्ता की डेथ हो जाती है और बिजनेस जो है उससे उसका कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है उसके डेथ से, जो बिजनेस है उसके डेथ के बाद भी वो चलता रहेगा, रन करता रहेगा। सभी के राइट्स चेंज हो सकते हैं या रूल रेगुलेशन थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, बट जो बिजनेस है वो रन करता ही रहेगा। जो कर्ता के बाद जो बचा जो एल्डेस्ट मेंबर है वो उसका कर्ता बन जाएगा, उसका जो पोजीशन है वो टेकअप कर लेगा, और बिजनेस का जितने भी मैनेजमेंट का काम है, जितने भी ऑपरेशन है, वो सारा चलता रहेगा। तो ये किसका अच्छा फीचर्स था, एक गुण था। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। क्या अभी हमने डिस्कस किया है कि जो कर्ता है उसका अनलिमिटेड लायबिलिटीज होता है और जितने भी बाकी के जो मेंबर्स बचे
उनका लिमिटेड हो जाता है। इन केस अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो बाकी मेंबर्स उतना ही पे करेंगे जितना उनका शेयर रहेगा उसमें बिजनेस में। जो एक करता है वो अनलिमिटेड रूप से पे करेगा, चाहे वो अपना शेविंग भी लेके पेमेंट करेगा, बट उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन जो बाकी मेंबर्स है उस पर कोई भी इस तरीके का बैरियर नहीं रहेगा कि उसको पे करना ही पड़ेगा। उनके पास में एक लिमिटेड हो जाता है, जितना शेयर उनको मिला है कंपनी से वो उस शेयर के बराबर ही सारा पेमेंट करेगा। तो ये भी इसका एक गुण था, एक फीचर्स था, या कह लो जिसका एक मेरिट्स था। नेक्स्ट है इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। जो इस तरीके का बिजनेस हो उसमें एक फैमिली मिलके मेंबर करता है, तो फैमिली के बीच में जो लव है या प्यार है, जो उनका एक एक तरह से जो एक बोल सकते हैं जो एक कनेक्शन है, वो एक बिजनेस को अच्छे वे में लेके जाता है, इंक्रीज़ करता है लॉयल्टी को। उनका जो कोऑपरेशन है या वो जो बिजनेस है उसमें एक अलग कनेक्टिविटी बनी रहती है आपस में, उस तरीके का एक फॉर्म नहीं बना रहता जो कि एक कंपनी में या एक पार्टनरशिप में बनी रहती है। तो एक इसका फीचर है जिसमें क्या रहता है, इंक्रीज़ होता है लॉयल्टी में आपस में। जो भी बिजनेस है उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया जाता है बिना किसी गलत वे के या गलत भावना के, तो इस तरीके से काम किए जाते हैं। तो ये इसके कुछ मेरिट्स थे जो कि एक हिंदू जॉइंट फैमिली में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका डीमेरिट्स। डीमेरिट्स का मतलब है जो भी इसके अवगुण है या कह सकते जो कि एक गलत गुण है जो कि एक जॉइंट हिंदू जॉइंट फैमिली में पाए जाते हैं। तो इसको हम डिस्कस करने वाला ही हमारा लास्ट टॉपिक है, देन ये कम्प्लीट हो जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो में कोई भी आपको कमी लगे तो आप मुझे ऐसे सजेशन बता सकते हो जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में उस तरह की कमी नहीं मिलेगा। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं डीमेरिट्स क्या क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाता है फैमिली के पास, जितना उनके पास पैसा है, जितना उनके पास कैपिटल है, जितनी उनकी स्किल है, वो लिमिटेड हो जाता है। बाहर के व्यक्ति आके बिजनेस को रन नहीं करेंगे। सो एक फैमिली के अंदर जो भी व्यक्ति है, जो भी मेंबर है, उनके पास में जितना रिसोर्सेज है या जितने भी उनके पास पैसे हैं, वो काफ़ी डिपेंड कर जाता है फैमिली के मेंबर तक ही। उनके पास जो बिजनेस के बाहर जितने भी पैसे है या लेन देन है, उनका जो स्कोप है वो काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ ऑफ करता। इसका एक अवगुण है कि जो बाकी फैमिली के जितने भी अलग मेंबर्स हैं उन सभी का जो लाइबिलिटी है वो लिमिट हो जाता है, पर जो करता है उसके पास में एक बर्डन बन जाता है, उसका जो एक लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाता है। अनलिमिटेड होने पे भी अगर जितने भी पेमेंट है वो उसको करना ही पड़ेगा, इवन बिजनेस लॉस में ही क्यों ना चला जाए। तो डिसीज़न मेकिंग अगर वो खुद ले रहा है, मैनेजमेंट का काम वो खुद कम कर रहा है, तो क्या है, जितने भी लाइबिलिटीज़ है वो उसको खुद ही पे करना पड़ेगा। तो कर्ता के ऊपर एक बोझ बन जाता है, एक भार बन जाता है, वो काफ़ी रिस्की वे में चला जाता है। तो चाहे उसको क्या करना पड़ेगा, चाहे उसको पर्सनल प्रॉपर्टी क्यों ना बेचना पड़े, बट बिजनेस रिलेटेड जितने भी डेट्स हैं, जितने भी लेनदार हैं, उन सभी को उसको पे करना ही पड़ेगा। तो इसका एक डीमेरिट्स था। नेक्स्ट पॉइंट इसका डोमिनेंस ऑफ कर्ता। द कर्ता इंडिविजुअली मैनेज द बिजनेस। जो करता है वो बिजनेस को जो मैनेज करता है, तो विच मे एट टाइम नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अदर मेंबर्स। जो कि ज़रूरी नहीं है कि दूसरे जो मेंबर्स है उसको भी सेम उस तरीके से मैनेज कर सकता है जिस तरीके से कर्ता कर सकता है। कर्ता के पास एक अलग फीचर्स रहेगा, उसके पास में अलग राइट्स रहेंगे। तो एक अकेले के व्यक्ति के पास ही इस तरीके का राइट्स रहता है जो कि बाकी पर्सन के पास नहीं रहता है। तो ये क्या करता है, कई बार एक गलत फीलिंग को जनरेट कर देता है कि फैमिली में एक अकेले पर्सन के पास इस तरीके के फीचर्स कह लो या कह लो उसके पास इतने सारे अधिकार है जो कि बाकी पर्सन के पास नहीं रहता है। तो एक डीमेरिट्स बन जाता है। नेक्स्ट है इसका पॉइंट लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। क्या करता ही अकेला बिजनेस को रन करेगा, कंट्रोल करेगा, सारे डिसीजन लेगा, मैनेजमेंट करेगा, तो उसकी जो स्किल है वो उस पर डिपेंड कर जाता है। एक अकेले पर्सन के स्किल पे ही बिजनेस डिपेंड हो जाता है कि उसका जो स्किल है वो बिजनेस को चाहे प्रॉफिट की ओर ले जाए, चाहे वो बिजनेस को लॉस की तरफ ले जाए, लेकिन जो बिजनेस का जो एक प्रोफाइल है वो उसकी एक व्यक्ति के स्किल पे ही, एक व्यक्ति के दिमाग पे ही डिपेंड हो जाता है। जिससे क्या हो जाता है, बिजनेस काफ़ी इफेक्टिव में जाए जरूरी नहीं हो जाता है। कई बार क्या हो जाता है, स्किल की लैक हो जाती है, कमी हो जाती है जो कि कर्ता के पास है। तो कर्ता की अगर स्किल की कमी हो जाए या उसका जो स्किल है उस तरीके का नहीं है जो कि कंपटीशन को बनाए रखे या कंपटीशन के साथ में चल सके, तो ये क्या कर देता है, कई बार बिजनेस को लॉसेस की तरफ भी ले जाता है। तो इसका एक डीमेरिट्स बन जाता है जो कि एक हिंदू जॉइंट फैमिली में पाया जाता है। साथ में द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ऑन द डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द डिमेंसी नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिलीज इन द कंट्री। किस तरीके का बिजनेस है वो काफ़ी लिमिट में हो जाता है, क्योंकि जो बिजनेस है केवल इंडिया में ही किया जाता है। तो जो बिजनेस है काफ़ी बड़े लेवल पे नहीं जा पाता है, क्योंकि इस तरीके का बिजनेस जब दूसरे देशों तक फैल ही नहीं सकता है, क्योंकि बिजनेस जो है वो काफ़ी एक केवल इंडिया तक ही सीमित रह जाता है। जब बिजनेस दूसरे देशों तक जा ही नहीं सकता, तो जो बिजनेस है वो काफ़ी हाई लेवल पर नहीं जा सकता, तो बिजनेस की एक लिमिटेशन बन जाता है जो कि एक डीमेरिट्स कहलाता है।
तो ये सारा हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्टनरशिप, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आई होप आपको सभी क्लियर हो गया होगा जितने भी पॉइंट्स हमने क्लियर किया है। सो इसमें अगर किसी भी तरीके से आपको कमी लगी या कोई भी किसी तरीके से सजेशन है तो वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम अपनी पार्टनरशिप को क्लियर करने वाले हैं। और वीडियो में अगर किसी भी तरीके से कमी लगी या कोई भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट ज़रूर करें, और साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।